दोस्तों, एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजब तरीका निकाला था। वह धन से सोना खरीदता और फिर उस सोने को गलाकर उसके गोले बनाकर अपने खेत के एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल देता। रोज खेत जाना और गड्ढे को खोदकर सोने के गोलों की गिनती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है। एक दिन एक चोर ने कंजूस आदमी को गड्ढे में से सोना निकालते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कंजूस आदमी गया, वह गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें सोना निकालकर भाग गया। अगले दिन जब कंजूस आदमी खेत गड्ढे के पास पहुंचा तो सारा सोना निदारित पाकर रोने पीटने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी तो वह रुक गया। उसने कंजूस आदमी से रोने का कारण पूछा तो आदमी बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा कुछ सारा सोना लेकर भाग गया, अब मैं क्या करूंगा, किसने चुराया, कब चुराया, राहगीर आश्चर्य पड़ गया। पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। मैं जब यहां पहुंचा तो सारा सोना गायब था, कंजूस आदमी बिलखते हुए बोला। से सोना ले गया? तुम अपना सोना इस गड्ढे में रखते ही क्यों हो, अपने घर क्यों नहीं रखते, वहां जरूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते हो, राहगीर बोला। मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता, उसे हमेशा सहज कर रखता हूं और हमेशा रखता यदि वो चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता, कंजूस व्यक्ति बोला। यह बात सुनकर राहगीर ने जमीन से कुछ कंकड़ उठाए और उस गड्ढे में डालकर बोला, यदि ऐसी ही बात है तो इन कंकड़ों को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दो और कल्पना करो यही तुम्हारा सोना है, क्योंकि इनमें और तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है, ये भी किसी काम के नहीं और तुम्हारा सोना भी किसी काम का नहीं। उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोग ही नहीं किया, ना ही करने वाले थे, उसका होना न होना। सीख दो, जिस धन का कोई उपयोग ना हो उसका कोई मोल नहीं। अगर आपको द माइजर एंड हिज गोल्ड स्टोरी की कहानी हिंदी में अच्छी लगी तो कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं, और ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अन्य कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।